Guys, welcome back to my channel. It's a Krisha. So, अभी हम करेंगे साथ साथ में एक वैनिटी क्लीन. You know what? I don't have too much makeup, so इतना कुछ दिखने के लिए नहीं मिलेगा आपको. पहले बता रही हूँ तो आप ऐसे एक्सपेक्टेशन करोगे कि इतना सारा मेकअप दिखेगा. यो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आपके एक्सपेक्टेशन में पूरे तरीके से पानी फिरने वाला है. पूरा पसारा 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 हो चुका है. मतलब टोटल इतना बड़ा पसारा, इतना बड़ा वाला पसारा. बहुत सरप्राइज होने वाला है आपके लिए इस व्लॉग में, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको याद होगा तो मैंने बोला था आपको कि किटुकले के लिए मुझे चाहिए था घसीटारम. सो आई गॉट इट, तो उसको भी दिखा. सो मिशन नंबर 1 विच इज क्लीन द बेडशीट. यू कैन सी जैसे कि मैंने अभी आपको इतना सारा पसारा बताया, मतलब मेरे वैनिटी मेकअप स्पेसिफिकली, तो उसको पूरे जो सेक्शन से उसको निकालेंगे ड्रार्स को एंड प्रॉपर उसको पोंछ के सब कुछ उसमें प्रॉपर रखेंगे. जैसे मॉइस्चराइजर केस में मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन केस में सनस्क्रीन, क्योंकि बहुत ज्यादा मेस हो चुका है उसमें, मुझे दिखती नहीं है चीजें. सो आई थिंक आई नीड टू डू फॉर. इस तरह से सामान रखा है, अब इसको क्लीन करके इसमें ही फिर से रखना है. सो दैट क्लीन माई वैनिटी वैन क्लियरली सी इट्स वेरी लुकिंग गुड गुड गुड. एंड आफ्टर दैट इसको पूरा क्लीन करूँगी पूरे वैनिटी को. मतलब ये सारे सेक्शंस को क्लीन करना है मुझे, ये भी ऐसे ही क्लीन करना है. सो या द थिंग इज दैट कि सिर्फ एक सेक्शन वैनिटी का क्लीन हुआ, ऑल ओवर मुझे और 4 सेक्शन क्लियर करना है. सो या दैट वैनिटी क्लीन करने की इसमें मैंने एक ब्रेक लिया ताकि मैं आपको एक चीज़ बता सकूँ. My clutter collection. See, I have so many clutters. ये जो basic clutters है बड़े बड़े वाले इसमें और छोटे वाले इसमें क्लिप्स वगैरह, ताकि मेरे को इजीली फाइंड करने के लिए मिले और सारी चीजें मुझे सेपरेट मतलब दिखे इंस्टेंटली. इसलिए चीजें मैंने कर ली है. नाउ इट्स माय शावर टाइम गाइस. सो अभी मैं बात करूंगी. सो या लेट्स गो. चलो स्टार्ट करते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन. बेसिकली रात में डबल क्लेंजिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लेंजिंग बाम यूज करें या फिर आप बेसिक कोई भी क्लेंजिंग वाटर यूज कर सकते हैं. मैं क्लेंजिंग वाटर ही यूज करती थी आज तक के, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम यूज है करना इसका डॉट एंड की का क्लेंजिंग बाम. इतना ज्यादा स्मूथ है, इतना अच्छा है, मैं क्या बोलूँ. बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही स्मूथ लाइक बटर स्ट्रक्चर है इसका और इजीली ग्लाइड होता है फेस पे और सब निकाल देता है अपने फेस पे, जो भी सनस्क्रीन का एक्युमुलेशन या फिर मेकअप सब निकाल देता है उसके बाद में. अच्छा सा क्लिनजर, ये मैंने डॉट एंड की का ही क्लिनजर यूज़ किया. ये भी क्लिनजर बहुत अच्छा है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है. नेक्स्ट थिंग जो मैंने मॉइस्चराइजर यूज़ किया, मॉइस्चराइजर अपने को ध्यान में देनी है बात, जो कि मॉइस्चराइजर यूज़ करते समय हमें हमेशा से गीले गीले फेस पे यूज़ करना है एंड लास्ट में लिप बाम, दैट्स इट. आपने मेरे सारे
शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किटुकली कौन है और किसके बारे में मैं अभी बात कर रही हूँ। कि किटुकली इज़ माय सॉफ्ट है, उसके लिए मैं घसीटाराम नाम का एक उसका फ्रेंड ढूंढ रही थी। तो मुझे फाइनली वो मिल गया और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसा है एंड सम एवरीथिंग। अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में आपको किटुकली को दिखा दी सबसे पहले और उसके बाद में मैं घसीटाराम को भी दिखा दी। आप देख रहे हैं साथ में तो देख के उठ लगते क्या बोलू इतने। घसीटाराम थोड़ा सा मोटा है बट किटुकली इज वेरी प्रीटी। उसका मैंने स्टिकर भी नहीं निकाला बेचारे का, दो दिन से आपको बताने के लिए रखा। टू क्यूट वंस जो कि टीम में ऐड होते हैं, इसके में मैंने टैग्स नहीं निकाला एज यूजुअल क्योंकि आपको दिखाना था और इनके भी नाम मैंने रख दिए। ओके, इसका नाम पिंकी रखा मैंने, आई डोंट नो बहुत क्यूट है और मुझे इसका नाम पिंकी रखना है जैसे हो रहा था बिकॉज ऑफ पिंक पिंक है एंड इसको लाइक मुझे देखते ही से प्यार हो गया। अनदर वन व्हिच इज ये, इसका नाम है बुरी। ओके, बुरी, हर नेम इज बुरी एंड शी इज वेरी प्रीटी। ये पिंकी है, ये बुरी है, ये घसीटा नाम है व्हिच इज क्यूट। इज नाउ बहुत ज्यादा बड़ा है, नॉट बहुत बड़ा बट इतना है घसीटा। अगर आपको इन सारे सॉफ्ट टॉयज के नाम जानने होंगे मेरे पीछे के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।